जिस दिन सिर काटने और कलम करने की बात किए थे, 30 लाख 51 लाख देने की बात किए थे, हमने तो कहा मैं अभी भी पढ़ता था सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राद्ध देते थे, बैठे बैठे जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए श्राद्ध देने की हैसियत में नहीं, और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं, ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं, और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी, और अगर इनका यही चेहरा बार बार आता रहा तो जो तमाम धर्म के नाम पर इनको चढ़ावा चढ़ता रहा वो भी लोग बंद कर देंगे, और ये तो आतंकवादी है, इसको चढ़ावा देना बंद कर। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।